छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले भाजपा के मुख्य कार्यालय एकात्म परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकार वार्ता ली, जिसे पत्रकारों से रूबरू होकर इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे छत्तीसगढ़ में की गई सभाएं एवं कार्यकर्ता सम्मेलनों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में दोबारा काबिज करने के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला एवं बताया कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे देश हित के कार्यों को छत्तीसगढ़ की जनता भी अपना आशीर्वाद दे रही है और इस बार भी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनना तय है। और जिस तरह से हम पूरे प्रदेश में जनताओं के बीच में गए और उनका जो रिस्पांस हमको मिला, उसके अनुसार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी 11 की 11 सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इस चुनाव में एक और खासियत रही कि इसमें विदेश के 4 देशों के डेलीगेट्स भी राजनेता यहां पर आए अपने चुनाव प्रचार को देखने के लिए। ये भी एक इस चुनाव कैंपेनिंग की खासियत रही। और इस चुनाव में आप सब लोगों ने भी खूब परिश्रम किया, पसीना बहाया, इसलिए आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये चुनाव प्रचार में हम लोगों ने जनता तक ये पहुंचाया है कि ये जो चुनाव है लोकसभा का बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम किया। राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा, लेकिन तीसरे बार जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये चुनाव है। और आने वाले 5 वर्षों में 2029 तक हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाने का ये चुनाव है। ये सब हम लोगों ने और हमारे नेताओं ने जनता तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इस चुनाव कैंपेनिंग में एक जो विपक्ष के द्वारा, विपक्ष और इंडी गठबंधन के द्वारा जो नकारात्मकता, दुष्प्रचार और बदजुमानी जो उनके तरफ से थी, ये सारी सीमाएं लांघ दी। और विशेषकर छत्तीसगढ़ में जो तासीर है उसके बिल्कुल विपरीत, और पूरा देश हमारे छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को जानता है, लेकिन विपक्ष का ये झूठ, दुष्प्रचार और बदजुबानी ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की तासीर को शर्मिंदा किया है, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता को बिल्कुल अस्वीकार्य है। और इसमें मुख्य रूप से जो 3 महीने में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, उसको पहुंचाने का काम किए हैं। पिछले कांग्रेस की सरकार में 18 लाख गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। हमारी जब 15 साल की सरकार थी उस समय बहुत लोगों का मकान प्रारंभ हुआ था, उनको आगे का किस्त भी नहीं मिला, और आज अधूरा का अधूरा उनका मकान रह गया है। तो ये 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली, और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बैठक करके 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दिए हैं, जिसका निर्माण अब अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाला है। और उसी तरह से 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज़्यादा किसानों का, जब हम लोग सरकार में थे दे नहीं पाए थे, और जिसका देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जन घोषणा पत्र में की थी, लेकिन 5 साल तक उस पर चर्चा भी नहीं हुई। और हम लोगों ने 25 दिसंबर को ही, मतलब मुश्किल से सरकार शपथ लेने के मतलब 10-12 दिन के अंदर ही 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा था, 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदे, और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि
इस साल सबसे ज्यादा धान 145 लाख मीट्रिक टन धान जो कि अभी का रिकॉर्ड है वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने खरीदी और जो अंतर की राशि थी उसको एक मुश्त देने का वादा था और 12 मार्च को 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेचे, उनकी अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया देने का काम इस सरकार ने किया। उसी तरह से जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको महतारी बंधन योजना में साल का 12,000 प्रति महीने 1,000 रुपया देने का वादा था उसको भी हमारी सरकार ने पूरा किया और अभी तक 3 महीने का 3 किस्त महतारी बंधन का भेज चुकी है और हमारी माता बहनों को आश्वस्त किए हैं कि हर महीना पहले सप्ताह में ही उनका पैसा महतारी बंधन का जाने वाला है। रामलला दर्शन योजना भी शुरू कर चुके हैं। 22 जनवरी को भगवान राम भव्य मंदिर में विराजे हैं, उसके तत्काल बाद से हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू कर दिया है और हम समझते हैं कि अभी तक हजारों की संख्या में राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ गए हैं। उसी तरह से जो बस्तर और सरगुजा संभाग जो आदिवासी बाहुल संभाग है वहाँ पर तेंदू पत्ता होता है जो वनवासियों के लिए आय का एक बड़ा जरिया होता है आदिवासियों के लिए, जिसको हरा सोना